आज हम बनाएंगे दम आलू। उसके लिए मैंने आलू बॉईल कर दिए हैं। बॉईल करने से पहले मैंने इसमें नमक डाला था और 80% मैंने बॉईल करे हैं और छील के रख दिए हैं। और इसमें डालने के लिए मसाला तैयार करेंगे। इसके लिए मैंने ये छोटी एक कटोरी दही लिया है। इसमें डालेंगे पहले लाल मिर्च, मिर्च अपने हिसाब से डालनी है, मैं चौथाई चम्मच डाल रही हूँ। और डालेंगे इसमें आधी चम्मच जो है कश्मीरी लाल मिर्च डाल रही हूँ, छोटी आधा चम्मच हल्दी पाउडर है और एक चम्मच डाल रही हूँ धनिया पाउडर, चौथाई चम्मच के करीब जीरा पाउडर है, चौथाई चम्मच डालूंगी चीनी, आधे से थोड़ा सा कम डालूंगी नमक, नमक अपने स्वाद अनुसार डालना है। और इसमें डालने के लिए मैंने ये थोड़े से काजू और मगज के बीज मैंने दूध में भिगा दिए हैं। ये थोड़ा सा गर्म गुनगुना करा था दूध, उसमें भिगा दिए हैं और इसको भी पीस के रखूंगी। ये जो मैंने मसाला दही में डाला है इसको भी एक बार मिक्सी में चला दूंगी, जिससे दही के साथ जो है मसाला सारा मिल जाएगा। और आलू जो है हम एक बार तलेंगे। ये ऑयल हमारा हो गया है, इसमें हम आलू डाल देते हैं और गैस को मैंने फुल में रखा हुआ है। ये ऑयल हमारा हो गया है, इसमें डालेंगे जीरा, हींग, एक दो लौंग, एक छोटा सा टुकड़ा दालचीनी का, काली मिर्च, दो छोटे तेज पत्ते और हरी इलायची। चला लेंगे जरा, गैस को बिल्कुल सिम में रखेंगे अभी। और ये डालेंगे जो हमने दही में मसाला मिलाया था और इसको मीडियम आंच में करेंगे अब और चलाएंगे जब तक ये खोलेगा नहीं। ये खोलने लगा है, गैस मैंने सिम में कर दी है। और अब डालेंगे इसमें काजू वाला पेस्ट, काजू और मगज के बीज वाला पेस्ट डाल देंगे और तेल छोड़ने तक इसको हम पकाएंगे। ये बिना प्याज का है। अब मैं गैस को तेज कर देती हूँ और तेल छोड़ने तक इसको हम पकाएंगे। इसमें डालेंगे दो हरी मिर्च और थोड़ी सी कसूरी मेथी, इसको मिला लेते हैं। गैस मैंने सिम में रखी हुई है अभी। और अब डाल देते हैं इसमें आलू, सूखे हुए दम आलू बना रही हूँ मैं, इसमें पानी नहीं डाल रही हूँ। और इसको अब मैं लगाऊंगी ढक्कन और 5 मिनट ढक्कन लगा के पकाऊंगी इसे। इसमें मैंने एक बड़ी चम्मच क्रीम डाला है और इसको चला लेती हूँ और इसे 4 मिनट और पकने देंगे। ये हमारी सब्जी बनके तैयार हो गई है। और इसमें अब हम डालेंगे धनिया। ये हमारी शाही दम आलू की सब्जी तैयार है। अगर ये रेसिपी मेरी आपको पसंद आई है तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।